हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखे डेटा लिंक फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स फॉर नॉइसलेस चैनल, जिसमें हमने पढ़ा एलिमेंट्री प्रोटोकॉल एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब सेकेंड कैटेगरी जो है डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स की, वो है फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स की फॉर नॉइजी चैनल, और उन्हें साइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स थे, उनको रिमूव करने के लिए ही स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। तो इट यूजेस एरर कंट्रोल वर्क ऑन नॉइजी चैनल। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये एरर कंट्रोल भी करते हैं, जबकि जो हमने नॉइसलेस चैनल के लिए देखे थे उसमें क्योंकि एरर कंट्रोल नहीं था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यहाँ पर नॉइजी चैनल पर भी ये प्रोटोकॉल वर्क करते हैं क्योंकि यहाँ पर एरर कंट्रोल की मैकेनिज्म भी यूज़ की जाती है रिसीवर साइड पर। इट इज़ यूज्ड वेयर रिलायबल इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स इज रिक्वायर्ड, सच एज इन द डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल एज वेल एज इन द TCP मॉडल। तो ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का हमें कब रिक्वायरमेंट होती है, जब हम चाहते हैं कि फ्रेम या डेटा जिस ऑर्डर में ट्रांसमिट किया जा रहा है उसी ऑर्डर में पैकेट्स रिसीवर को रिसीव हों। तो ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI एंड TCP/IP मॉडल में भी यूज़ होते हैं, जिससे जो पैकेट्स हों वो सीक्वेंशली रिसीवर को रिसीव हो पाए। स्लाइडिंग विंडो ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट हैज 3 टेक्निक्स। तो स्लाइडिंग विंडो में ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का यूज़ होता है। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स जो हैं उसमें 3 टेक्निक्स का यूज़ होता है। फर्स्ट इज 1-bit और स्टॉप एंड वेट ARQ। देखो यहाँ पर स्टॉप एंड वेट लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आगे ARQ लिखा हुआ है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में, जबकि जो हमने नॉइसलेस चैनल के लिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल लिखा देखा था उसमें ARQ नहीं होता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में कि ARQ लिखा हुआ है कि विदाउट ARQ लिखा हुआ है, कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल स्टॉप एंड वेट आपसे पूछ रहे हैं या फिर नॉइसलेस चैनल का स्टॉप एंड वेट आपसे पूछ रहे हैं। सेकेंड टेक्निक इज़ गो बैक NARQ एंड थर्ड इज़ सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं। अब ARQ यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इट इंश्योर अ सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पैकेट इज डिलीवर्ड इन ऑर्डर एंड विदाउट एरर्स और डुप्लीकेशन डिस्पाइट ट्रांसमिशन एरर्स एंड लॉसेस। तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या करती है, जो भी इन पैकेट्स डिलीवर किए जा रहे हैं रिसीवर को वो सीक्वेंस में ही डिलीवर होंगे और बिना एरर या डुप्लीकेशंस के होंगे, चाहे ट्रांसमिशन के टाइम में एरर्स या लॉसेस हो रहे होंगे, चाहे चैनल जो होगा नॉइसलेस होगा यानी एरर्स या लॉसेस वाला होगा, फिर भी रिसीवर को जो डेटा ट्रांसमिट होगा, जो पैकेट ट्रांसमिट होंगे वो सीक्वेंस में होंगे और बिना किसी एरर के ट्रांस बिना किसी एरर और डुप्लीकेशन के ट्रांसमिट होंगे।